योगी नईम हमारे साथ मौजूद हैं, जो इंटरनेशनल योगा फेडरेशन ऑफ यूएसए की जानिब से पाकिस्तान में काम करने वाले वाहिद योगा इंस्ट्रक्टर हैं और नेशनल योगा फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के सदर भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका नईम साहब, कैसे हैं आप? और ये बताइएगा कि योगा की कितनी अहमियत है इंसानी बॉडी के लिए। बहन आपका बहुत शुक्रिया जी। योगा जो है ये एक कदीम तरीका इलाज है। अगर आप मेडिसिन फ्री लाइफ गुजारना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके केमिकल जो बैलेंस हो जाएं, क्योंकि इंसान खुद एक केमिकल्स का मरकब है। अगर केमिकल्स बैलेंस हो तो सेहत अच्छी होती है, केमिकल्स बैलेंस ना हो तो फिर आपकी सेहत खराब हो जाती है। जैसे कि योगा जो है ये बगैर मेडिसिन के आपको ट्रीटमेंट अंदर से करता है और आपको ऐसी टेक्निक सिखाता है, ऐसी ऐसी चीजें सिखाता है जिससे आपका लाइफस्टाइल भी बेहतर होता है और आपकी सेहत भी अच्छी होती है। जैसे भाई ने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की कि बहुत ज्यादा खाना खाया जाता है और फिर जो है वो ईद उल अजहा पे बदहजमी का लोग शिकार होते हैं, उसकी बड़ी वजह एक है कि हम दांतों का काम आंतों से लेते हैं। जब तक हम दांतों का काम दांतों से नहीं लेंगे तो फिर आंतें डिस्टर्ब होंगी। हम खाने को चबाते नहीं हैं। अगर हम खाने को चबाना शुरू कर दें, जो कि एक नवाले को कम से कम 20 दफा तो चबाना चाहिए, लेकिन हम एक नवाले को 3 से 4 दफा चबाने के बाद निगल लेते हैं, जिससे फिर पूरे का पूरा जोर आंतों का लगता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम एक नवाले को 20 दफा चबाना चाहिए। कम से कम 20 दफा एक नवाले को चबाएं। आप हजम करके खाने को भेजें। आपके दांत अल्लाह ताला ने इस तरह इसलिए लगाए हैं मुंह के अंदर कि आप इनको खाने को क्रश करके भेजें अंदर। जब तक आप इनका इस्तेमाल नहीं करते तो फिर आपकी आंतें खराब होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आराम आराम से ठहर ठहर कर खाना खाएं। जी, दूसरी बड़ी वजह जो डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करने की है कि हम जब खाना खा रहे होते हैं तो हम उस दौरान गुफ्तगू भी करते हैं और मेंटली कहीं और होते हैं। जब तक हम इन्वॉल्व नहीं होंगे खाने के अंदर, मील के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे, मेंटली आपके जो जूसेस जो आपके बनने हैं जिस्म के अंदर, जो डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर करते हैं, वो नहीं आपके जो है वो क्रिएट होते हैं, जिससे फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है। और फिर तीसरी वजह, हम खाने के दौरान जो पानी पीते हैं या खाने से पहले पानी पीते हैं, फौरन पानी पीने के बाद खाना शुरू कर देते हैं तो जो जूस है वो पतला हो जाता है जिसने खाने को हजम करना है। तो इसके लिए लाजमी तौर पर जो आपको कम से कम आधा घंटा पहले पानी पी लें और खाने के दौरान बिल्कुल पानी ना पिएं। खाने के बाद में भी आप एक घंटे बाद पानी पिएं। जब तक आप खाने पीने को अलग नहीं करेंगे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। और इसके साथ साथ मैं आपको ये तो आपने बेहतरीन तरीकाकार बताया सर कि किस तरह से खुराक खानी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे नाजरीन को योगा के कुछ जो बेसिक्स हैं वो भी अगर आप दिखाएं और बताएं कि किस तरीके से ये घर पे करके या जो अवेलेबल जगह है वहां पर करके हम फिट रह सकते हैं। बिल्कुल ब्रदर, इसके लिए जो है ना वो मैं कुछ ब्रीदिंग्स की टेक्निक्स भी डिस्कस करता हूँ, कुछ मुद्रास भी और कुछ मैं पोस्चर्स भी करता हूँ आपके साथ। तो सबसे पहले हम एक ब्रीदिंग करेंगे जिसका जो है वो नाम है योगिक प्राण। योगिक प्राण करने का तरीका यह है कि जब आप इनहेल करें तो आपका पेट बाहर निकलना चाहिए, पेट फूलना चाहिए, ना कि आप जो है वो सीने को फुलाएं। हम अक्सर लंबा गहरा जब सांस लेते हैं तो हम सीने को फुलाते हैं, तो इससे जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम और डिस्टर्ब होता है, पेट टाइट हो जाता है। पेट का सॉफ्ट होना जो है वो पेट की सही होने की अलामत है। जी, तो जब आप सांस लें तो आपका ब्रीदिंग पेट फूलना चाहिए। और अच्छा, सांस को फील आपने गले के अंदर करना है, लेरिंग्स के ऊपर। अगर सांस को नाक के ऊपर फील करेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। जब तक आप सांस को लेरिंग्स के ऊपर फील नहीं करते, आपका जो एसोफेगस है उसके साथ आपकी जब सांस टकराती है तो फिर आपका जो आंतों का सिस्टम है वो बेहतर होना शुरू होता है, बॉल मूवमेंट ठीक होना शुरू होती है। तो आप हमेशा सांस को गले को सुकेड़ते हुए गले में फील करें। ओके। और निकालते हुए स्लो, जितना स्लो निकाल सकते हैं, आपका इससे कंसंट्रेशन लेवल भी बेहतर होगा जब आप सांस के ऊपर कंट्रोल लेके आएंगे। क्योंकि योगा ये कहता है कि जब जितना इंसान का सांस पे कंट्रोल होगा उतना ही उसका दिमाग उसके कंट्रोल में होगा। और जो पेट है ये सेकंड ब्रेन ऑफ योर बॉडी है। ये पेट के अमराज जो है ये दिमाग के अमराज की वजह से होते हैं। जब आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, तो उससे फिर आपका पेट डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसके लिए लाजमी है कि आप इस ब्रीदिंग को अपनाएं, योगिक प्राण को अपनाएं, जिसको नाभि प्राण कहा जाता है। डायफ्राम से सांस को लेना, पेट की हरकत, सांस जब लें तो पेट फूले, जब सांस निकालें तो पेट अंदर की तरफ जाए। फिर अब एक मुद्रा मैं आपको बताता हूँ जो डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ठीक करता है। अगर आपको गैसेस का इश्यू हो जाता है, अक्सर लोग जो है वो खाना खाते हैं तो गैसेस प्रॉब्लम, पेट में आपको बहुत ज्यादा ब्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए जो है ये अपनी जो पहली उंगली है इसको फोल्ड करके पकड़ लें। ये पहले जोड़ के ऊपर अपने जो है वो अंगूठे को फोल्ड कर लें। ये इसको वायु मुद्रा कहते हैं, वायु मुद्रा। इसको अगर आप करीब से दिखा सकें कि ये यूं करना है। पहली उंगली को फोल्ड करके, पहली जी जी
यूं ऐसे बैठना चाहते बैठ जाएं, आप लेट के भी कर सकते हैं, आप लेट के भी कर सकते हैं, ठीक जी, लेट के भी कर सकते हैं। अच्छा, कम से कम इसको 15 मिनट बढ़ाइएगा, फौरन आपको जो है वो गैसेस में कमी महसूस होना शुरू हो जाएगी, जो पेट की तरफ से सीने की तरफ गैस आ जाती है। अच्छा, और आपको 15 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए हाथ की जो पोजीशन आप बता रहे हैं वैसे रखनी है? जी जी, इसमें बातें कर सकते हैं, ये बना के आप टीवी भी देख सकते हैं, आप लैपटॉप भी देख सकते हैं, आप हर चीज कर सकते हैं, लेकिन आपकी बॉडी की पोजीशन स्टिल होनी चाहिए। आप मूवमेंट नहीं करेंगे, बस अपनी बॉडी को रोक लें, लेट जाएं या बैठ जाएं, वॉक करते हुए नहीं करेंगे। और ये स्टमक के लिए है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। जी जी, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने के लिए प्रोबायोटिक्स की जरूरत होती है, जो कि योगर्ट में है। आप दही का इस्तेमाल करें, आप सलाद का इस्तेमाल करें, जैसे बकरा ईद पे हम गोश्त ज्यादा खाते हैं तो हम सलाद नहीं खाते, सलाद का इस्तेमाल बढ़ाएं। जी जी, तो इसमें जो है वो हम जरूर जो है ना, वो ऐसी, का भी ऐसी करें। योगा है कि ज्यादा गोश्त खाने के बाद भी बीमार ना हो। आ, बिल्कुल, गोश्त खाने से पहले वो वर्जिश करनी पड़ेगी, गोश्त खाने के बाद नहीं। जी जी, गोश्त खाने से पहले आप जो है वो अपने इस पोजीशन में आए और एक एक करके हील को स्ट्रेच करें, आप इसे काफ मसल पे स्ट्रेच आएगा। ओके, लेग, एक लेग सीधी करें, क्योंकि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका लीवर फंक्शन के साथ ताल्लुक है। जितना आपका लीवर फंक्शन अच्छा होगा उतना ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा। तो ये आप एक एक करके हील को ऐसे नीचे टच करें फ्लोर के ऊपर और लेग को सीधा करके स्ट्रेच लेके आए काव मसल पे। और इसके साथ अगर आप और अपनी आंतों को बेहतर करना चाहते हैं तो बहुत आसान स्ट्रेच है। आप ऐसे बैठे बैठे जो है वो एक एल्बो को नीचे लेके जाएं और साइड स्ट्रेच करें। ओके, जितने साइड स्ट्रेच हैं ये आपकी एक्सरसाइज में भी करते हैं। जी, ये आंतों के फंक्शन को बेहतर करते हैं, जितने साइड स्ट्रेच हैं ये आपके आंतों के फंक्शन को बेहतर करते हैं। फाइव टाइम ईच साइड। और इसमें स्टे करना है आपने, ये हम इसमें रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, कम से कम 5 सेकंड और मैक्सिमम 20 सेकंड आप इसमें स्टे करें। अच्छा, और बाजू को स्ट्रेच रखें। नईम साहब, जो जो आप बता रहे हैं स्ट्रेचेस, जिस तरह से ये हर एज ग्रुप के लिए है, क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं अक्सर उनके जॉइंट्स वीक होते हैं, उन्हें वैसे पेन होती है, उनके लिए भी फायदेमंद है ये? जी बिल्कुल फायदेमंद है, लेकिन वो अपनी जो है वो बॉडी की कैपेसिटी के मुताबिक स्ट्रेच करेंगे, जितना उनको सूट करता है उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, हमें जल्दी से ये बता दें कि पेट कम करने की कोई एक्सरसाइज है या फिर योगा का कोई ऐसा कोई तरीका? बिल्कुल बिल्कुल जी, पेट कम करने के लिए बड़ी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन हम एक डिस्कस कर लेते हैं। आसान तो ये है कि पहले ये जो रिंग फिंगर है इसको फोल्ड करके पकड़ लिया करें। अच्छा, इसको सूर्य मुद्रा कहते हैं, ये रिंग फिंगर को फोल्ड करके ऐसे पकड़ लें, इसको पकड़े रखें, दिन में 3 दफा 20-20 मिनट करके बनाएं इसको, इससे वेट कम होता है। ये सूर्य मुद्रा है, इसका नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप सर्च कर सकते हैं सूर्य मुद्रा जी, इससे वेट कम होता है। ऐसे बनाए रखें, रिंग फिंगर को फोल्ड करना है तो सूर्य मुद्रा। लेकिन हम एक ओवरऑल वेट कम हो जाता है, सिर्फ बेली फैट कम होता है, क्योंकि बेली फैट का ज्यादा मसला रहता है लोग। बेली फैट के लिए फिर मैं बताता हूँ आपको। जी जी, बैली फैट जो निकलता है वो आपके बैक के मसल्स वीक होने की वजह से निकलता है। बैली फैट आपकी जो बनती है, अपने अपनी कमर को सीधा कर लीजिए और शुरू में आप चाहे नीचे हाथ रख लें ऐसे और लेग्स को ऊपर उठा के रोकने की कोशिश करें। ओ, ये बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी हार्ड। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी पोजिशन ये हो जाएगी, हाथों को ऊपर ले आइए। तो इस पोजीशन को आप करना शुरू करें तो इससे आपका बेली फैट कम होता है। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त एक्सरसाइजेस बताई आपने नईम साहब। हमारे सुनो पाकिस्तान का हिस्सा रहेंगे आप, हम आपसे मजीद भी पूछते रहेंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि हमारे देखने वाले जो हैं वो इस पर अमल करेंगे। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में अपने रूम में कहीं पे भी कर सकते हैं।